अज असी कलोटी नगर के बिच पहुँचे हाँ। जग टीवी सेवक के चैनल पर तुहाडा स्वागत आ। सो वीर इन्होंने कलोटी नगर के बिच बहुत वधिया उपराला करके जिहड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई आ, सो थोड़ा दिखाने की कोशिश करो। सारे इन्होंने बुक्स रखी हुई आ, तो सारे जिहड़ा नगर आ कोई भी आके उहदा वशिंदा इन्हां कोल कोई भी बुक पढ़ के पढ़ सकदा, इत्थे बैठ के पढ़ सकदा, जां कुछ मैं जिहड़े मैंबरस आ उह लिजा भी सकदे आ उस बुक नूं पढ़ के, फिर उह मोड़ जांदे ने। सो इन्हां नाल गल करदे आ। सो की नाम आ जी अपना? शुभ नाम जी। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह आ जी। इस पिंड के ही असं बसिंदे हाँ पिछले लंबे समय तो। यह साडा अपना ही बजुर्गों का साडी जद्दी कुश्ती कह लो हवेली वाला लाणा करके बजदा सी साडी। यह बजुर्गों की पुरानी हवेली सी। पिछले समय दौरान असीं इहनूं रेनोवेट करिया, रंग रोगन करा के, तो यह जिहड़ी पुस्तक दी पुस्तकां वंडण की लड़ी आ, 2009 तों बाद ने आरंभ करी भी आ। नाल इह लागे साडा गुरु घर आ। इत्थे गुरु घर दे विच हर संगरांद अते हर गुरु साहिबान दा दिहाड़ा जो साडे सिक्खी कैलेंडर दे मुताबक दिहाड़े ने असीं बड़े शान शौक नाल मनाउने आ। ते लिटरेचर इत्थों लिजा के उत्थे वंडिया जांदा पिंड दीआं बच्चिआं नूं पढ़न। इह वी थोड़ा दस्सो जिहड़े दर्शक वीर आ उह सुणदे आ तुहाडी गल, तुहानूं देख रहे आ, सो भी किस तरह दीआं बुक्स तुसीं लाइब्रेरी दे विच रखीआं? असीं हर तरह दीआं रखीआं जी। देखो एग्रीकल्चर नाल संबंधित भी ने, किसानी नाल भी संबंधित ने, जो साडीआं समस्यावां ने जिथों सानू शुरू होंदिया ने बच्चे के बेसिक तो। जीवन मैं डॉक्टर हरशिंदर कौर जी के छोटे छोटे ट्रैक्ट बच्चे का जीवन मैं तो इतने तक भी पढ़ लिया भी बच्चा माँ के गर्भ तो ही सीखना शुरू कर दिता। उन्होंने इतने तक भी लिखता भी बच्चे की मदर जेकर प्रैगनेंसी के दौरान जो हों बच्चे उहोजे माहौल के माँ रहे तो उ गल् सुने तो उ गल् कंठ करे वो बदौलत ही बच्चे का पालन पोषण अगे पुस्तकों प्यार ज्ञान पैदा हो जाता। उसका कारण यह आ भी अगे साड़िया इतिहासक तौर पर घटना मैं थोड़ा साझी करदा भी अगे साड़िया जो पुरातन दादिया नक्कड़ दादिया महादादिया साड़िया मातावान सन दुध रिड़कदिया सन सवेरे सुखनी साहब का पाठ जपजी साहब का पाठ कर दया सन। तो हूँ पर आधुनिकता के दौर के दौरान साड़िया मातावान साड़िया भैन ईवन साड़िया धर्म पत्नियां क्योंकि असं मोबाइल न अटैच हो गए वो कार्टूना वर्गिया चीज़ा देखने लग गए बच्चे ता ही बच्चे टकूसियां मारी जाते हैं ता ही बच्चे टका च नहीं बहते। सो जारी गल आ भी ज्ञान नाल बच्चे के जीवन के बंदे टका आ ठहरा आनू सोचने लिए टाइम मिलता। सो ये अज की बहुत वही लौड़ आ। ज्ञान एक जो पुस्तक बंदे का जरूरी, जिमें आप भुख लगती अन्न छकते हैं एक ने गुरु का लंगर जिमें छकते हैं एक ने शब्द गुरु का लंगर समझ के असं ये लहर आ जी पिंड पिंड लिजा रहे हैं। पहला अपने नगर घलोटी तो शुरू करी आ हमने वक् वक् नगर के अगर घनाणी नगर भी मैंने जाने का मौका मिलता रहा क्योंकि छेवें पातशाह का स्थान आ उत्थे निमसर चोला साहब उत्थे जिहड़ा दिहाड़ा कोई आउंदा सी उत्थे कई बार मैंने उन्होंने कमेटी ने सद्या उत्थे भी पुस्तकां मैं वंड के आउंदा रहिंदा। नहीं बहुत वधिया गल है जी। सो बहुत वधिया इन्होंने जिहड़ियां गल्लां उह दसियां उपराला इन्हां दा जिहड़ा उह बहुत सलांघा योग आ। जे इदां ही होर भी हर पिंडां दे विच शख्स इन्हां दी जी सोच ते चलण ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਥੰਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 5 ਰੁਪਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ 65 ਰੁਪਈਏ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਥੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ।
इत्थे फिर साढ़े गोसला पिंड तो सारे बहुत बंदे आ गए। उत्थे दी साढ़े नौ पहला बनी हुई थी जथेबंदी, उन्होंने साड़ी जथेबंदी बनाई इत्थे आ गए। इत्थों जथेबंदी बन तो बाद इन्होंने मैनू मूहरे करता पिंड वालिया ने, अच्छा जी, भी तुसीं मूहरे अगवाई करो। सानू पता नहीं सी भी जथेबंदी च किवें काम करीदा। असीं फिर बिजली जिथे मोटर के कनैक्शन कट्टन लग गए, असी बिल बंद करते, बिल नहीं भरने, सारे पिंड दीआं कापियां कट्ठियां करके असी गुरद्वारे रख दी बिजली दीआं मोटर दीआं। उस वक्त फिर आम गल चलती सीगी बई नौजवान सारा भड़क उठिया दीगा। उस वक्त फिर जब ये कट्ठे करते बेअंत सिंह की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। वो आई हुई इन्होंने पहला तो मुलाजम जिन्हें थे वो समा तो बापू जी भी बहुत माड़ा रहा वो, मतलब हाँ जी वो मुलाजमान को जबरदस्ती बिल भराए भी नहीं थोनू असी, वो मुलाजम अपने कापियां ले गए चक के। बाकी साढ़े इतने पिंड का एक आड़ती हों बहुत तकड़ा, अच्छा, हूँ तो वो मौत हो गई खेत पालना, उन्हें वो यदा बेअंत का खास बंदा थी मुख्यमंत्री का, वो 65 रुपये की जानता थी, उन्हें सारे पिंड के ही बिल भरते। अच्छा जी, दूजे लोगों ए हो गया भी अपने हौली हौली सारी कापियां ले जान लग गए। असी पिंड सिर्फ हूँ तो वैसे जारी तौर पर तो मैं कला ही रह गया। अच्छा जी, वो जब मगरों फिर चलता गया संघर्ष तो फिर 3-4 बंदे बिचों ही निकले जिहड़े भरे नहीं थे सकते बिल। ठीक ठीक है जी। सो इन्हां दी गल आ, सो जे दिखाण दी कोशिश करिए जिहड़ा ये यूरोप दे दौरान ये इन्होंने जाके उत्थे मुजाहरे करे, सो नेड़े तो इन्हां दिखाया जाए, सो इन्हां दे जो पासपोर्ट उत्ते वीज़े वगैरह लगे हुए आ वो भी थोनों असीं दिखाण दी कोशिश करते हैं। सो मल्टीपर्पज शैनिगन जिहड़ा इन्हां दा वीज़ा आ वो इत्थे हैगा आ, वो अगे थोनों दिखाउंदे इंग्लैंड ते होर भी इदां काफ़ी वीज़े इन्हां दे पासपोर्ट ते लगे हुए आ। सो बापू जी गल ये आ कि ज उस टाइम जिवें अज 30-32 किसान यूनियन हैगियां, उस टाइम तो यह जहाँ कोई है नहीं सी कि भी बहुत सारिया यूनियन कि उदों भी कोई हैगा सी। उस वक्त 3 यूनियन बन गई थी जी। अच्छा जी, एक लखोवाल की मेन गिनी जाती सी। अच्छा जी, ये लखोवाल के पिछों राजेवाल को कढ़ दिता गया थी, राजेवाल ने आपकी बना दी। राजेवाल ने बनाने का की कारण सी जी? इन्होंने कारण सी भी राजेवाल ने पंजाब की कमेटी तो पूछे बिना रवेरो DGP हुंदा सीगा, वो दौदपुर का मुंडा ईसर सिंह चक लिया। अच्छा, वो साडा वर्कर सीगा किसान यूनियन का। ठीक है, ये राजेवाल ने उत्थे जदे ही धरना लाता दूजे दिन। अच्छा जी, साडा वर्कर गलत चक्किया दसो किहड़े चलिया, वो धरना चलिया तकरीबन 8-10 दिन। ठीक है जी, फिर रवेरो ने वो छड़ता। ठीक है जी, फिर पंजाब के जिहड़े लखोवाल और मनजीत सिंह कादियां जनरल सैकटरी हुंदा सीगा, उन्होंने फिर ये इल्जाम लाता राजेवाल से भी तुसी साडो भी पंजाब की कमेटी तो पूछे बिना धरना क्यों लाया। ठीक है जी, इस करके इल्जाम ला के उन्होंने दुनिया चो कढ़ता, उन्होंने फिर आपकी वखरी यूनियन बनाती मान यूनियन। अच्छा जी, भुपिंदर सिंह मान हों अपने पंजाब का प्रधान। ठीक है जी, सो इस तरह जी यूनियन उस टाइम फिर 3 हो गई, 3 तो तीजी दासी साड़ी बनी जी। अच्छा जी, पिछौरा सिंह दी। अच्छा, पिछौरा असी इन्हें कट्ठे कर देती, असी साल भर साढ़े उस वक्त फिर असि इन्हां दोहां यूनियन नूं कट्ठे कर दित्ता। असि फिर नाम रखिया भी भारतीय किसान यूनियन एकता, एकता दोहां नूं कट्ठे करना किवें हो जाए। ठीक है, असीं सारे पंजाब दे विच साढ़े कोल 2 जीपां होंदियां सीगियां, एक मेरे कोल होंदी सी, एक रौणी पिंड दे कोल होंदी सी। ठीक है जी, असीं सारे पंजाब दे जिन्ने अहुदेदार सीगे सारिआं कोल इकट्ठ कीता। ठीक है जी, भी तुसीं किवें करो औखे सौखे होवो, यूनियन बहुत औखी चलाई आ, भी इन्हां नूं कट्ठे करो इक हो जाए। वो जे 2 हो जाते थे कट्ठे तो 2 दूजिया यूनियन आर्ट कर दें। ठीक है,
उस वक्त फिर ज्यादा पिछौरा सिंह की यह होने लग गई। ठीक है जी, सारे इन्हें बदले आ गए भी ये इकट्ठा करते हैं, चंगा काम करते हैं कि आप इन्हें चलिए। उस वक्त फिर अमरिंदर सिंह राजा प्रधान मुख्यमंत्री बन गया, इन्हें फिर असी इन्हों उ चंडीगढ़ के धरना लाया, काले पा के इन्होंने चोले सिन्नी लीडरशिप की पंजाब की भी जां तां साडियां मंगां जिन्नियां मन्नियां होईयां ने उन्होंने लागू करो। ठीक है जी, हैं नहीं असी इत्थे मरण वर्त तक रखांगे। ठीक है जी, उस बाद फिर इन्हें महाराजा अमरिंदर सिंह ने इन्नी चाल खेडी, जब पहला तो सानू बड़ियाउंदा रहा कि तुसीं धरना चक लो मैं मन लूँगा। उस बाद फिर इन्हें कहा चंगा फिर आपां मीटिंग रख लें, वो मीटिंग रखनी तो साढ़े नाल सी क्योंकि असीं धरना लाई बैठे थे। उस वक्त फिर इन्हें सारिया जूनियन दिल्लियाँ कामरेडा दियाँ वो भी सदनिया बिच, यानी साड़ी जूनियन की कोई रखिए नहीं, सारे आपो अपनी बोली बोलन लग गए, जिमें हूँ 34 बनिया हुई ने ये सारे आपो अपनी बोलिए बोलते हैं। खलारा पवाता मतलब, हाँ कोई कही जाए भी मेरे कन्नी बंदे वध ने, कोई कही जाए घट, एक जिन्हें कामरेड तो अपने बंदे ही गिनी जाते। ठीक है जी, एक गल बिच होर है जी भी जिमें अज किसान यूनियन के मुद्दे है, उस टाइम किस तरह के मुद्दे होंगे थे जी, जो उस टाइम की गल? उस टाइम ज़्यादा मुद्दे होंगे थे WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जब बनी आ आम लोगों को पता नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी, इसे तो ही साढ़े जिले के बिच फर्क पिया। ठीक है जी, साढ़े जिले के बिच जिहड़ा साडा जनरल सैकटरी थी जिले का वो थी रौनी पिंड तो बिक्रमजीत सिंह। अच्छा जी, वो BA क्लास पढ़िया होया थी। अच्छा, वो पढ़िया करके असी सारिया ने मता बना के भी इनू पंजाब का प्रधान बनाऊं। ठीक है जी, क्योंकि यह गल समझदार समझा सकता, चलो पढ़िया लिखा जी। उस वक्त साढ़े ब्लाक समराले का प्रधान होंदा सीगा एक बाबा होंदा सीगा मुश्काबाद पिंड का। अच्छा जी, 25-26 साल तक निर जानी बिना चोन लड़ी पिंड का सरपंच रहा थी। जी जी, वर्कर भी बहुत तकड़ा थी पर अनपढ़ थी। ठीक है, वो सैकल पर ही घूमता हों को जीप भी थी सारे पंजाब जाने। ठीक है जी, वो असी फिर इस गल भी तुम पढ़िया लिखा बंदा भी इनू मूहरे करो ता कि जूनियन का वाधा हो। ठीक है, लखोवाल और मनजीत सिंह कादियाँ जनरल सैकटरी वो कहते थे भी जो पढ़िया लिखा मूहरे आ गया भी साडा नंबर नंबर ना कट रहे हैं, मतलब कि उदों भी वो कहते असी तो बनाना ही यही आ। अच्छा जी, बाबे नूं बनाता। ठीक है, उस वक्त फिर दिल्ली के बिच धरना लाया थी असी। अच्छा जी, वो असी तो फिर चुप कर गए, मैनू कहते भी तेनू जिले का मीत प्रधान बना दें, मैं क्या भी मैं तो ब्लाक का ही प्रधान रहना, मैं नहीं बनना। ठीक ठीक, मैं नहीं इस लायक आएगा, मैं बनना ही नहीं, हालांकि मैं BA क्लास चो करी हुई थी। वो भाई तुम इनू बनाओ। ठीक है, कहीं इनू असी नहीं बन देना। अच्छा जी, है उस करके फिर बाबा साढ़े को आ गया, मतलब फुट ये गल मान लीए मुकदी गल ये मान लीए भी फुट उदों भी हैगी सी उदों पई आ वध पई आ वध पई आ। सो चलो अगे अगे गल तोरदे आप, जिहड़ा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ उहदे तहत तुहानू मतलब कि बाहर जाण दा यूरोप दे विच जाण दा मौका मिलिया, वो जिहड़ी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ तुसीं उहदे हक दे विच उत्थे गए जां असीं उहदे विरोध च गए? विरोध विच गए, बहुत कौमी कंपनियां दे सारे जिन्ने यूरोप दे विच दफ्तर ने कारपोरेट कारपोरेट घराणे दे असी उन्हां सारिया दफ्तरां दे विच जाके मुजारे करे, बाजारां दे विच मुजारे करे, उत्थे जाके सानू दो बार गिरफ्तार भी करिया। तुसीं दस्सो माड़ा जिहा भी किहड़े किहड़े देश विच किहड़े किथे गए तुसीं? सब तो पहला असी जर्मन च उतरे जी जाके फ्रैंकफर्ट उत्ते, इत्थों साडा 300 बंदियां दा स्पैशल जहाज़ सीगा। अच्छा जी, सारे इंडिया चों। अच्छा जी, बंगलौर और बंगाल के घट थी, गुजरात के ज्यादा थी बंदे। अच्छा जी, यूपी के थे, हरियाणे के थे, साढ़े पंजाब के 30 बंदे ही थे असी। महेंद्र सिंह टकैत भी उदों महेंद्र सिंह टकैत भी गया सी। अच्छा जी, जिहड़ा राजेवाल सी वह भी तुहाडे नाल गया? नहीं जी। अच्छा जी, ये उस वक्त बहुत कौमी कंपनियां के हक च थी, बहुत कौमी कंपनियां इनू उधर लैके गई साढ़े जाने तो एक महीना पहला। अच्छा जी, उन्होंने अपने कंपनियां के हक च यह सारा उत्थे कराया बीज गए, तो बहुत चंगी काम WTO का।
देखो उदों उन्होंने वो समा एक यहोजा सी जदों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के हक में गल्लां करियां, फिर हुण समा जिहड़ा सी वो देखो हुण विरोधता दे विच चलो गल्लां करियां, कहण तों मतलब भाव ये आ कि है ना भी जिहड़ा साडा पंजाब आ वो देख सकदा, देश देख सकदा भी किस बंदे दी किदां दी सोच हैगी आ। सो वो बापू जी उत्थे जदों तुसीं गए उन्हां देशां दे विच, वो देशां दे विच जिहड़े लोग सी उन्हां दा किवें समर्थन तुहानूं समझ पिया जां नज़री पिया? वो जिहड़ा यूनिवर्सिटी दे विच पढ़े लिखे यूथ सीगा, हाँ जी, उत्थों जर्मनी तों पहलां असीं फ्रांस गए, फ्रांस तों असीं इंग्लैंड गए। अच्छा जी। लंडन दे विच। अच्छा जी। वो लंडन दे विच उन्होंने एक पिंड दे विच बहुकौमी कंपनियां दा सरों बीजी हुई थी। अच्छा जी। वो सरों जिहड़े उत्थे दी यूथ सीगी इस बहुकौमी कंपनियां दे बरखिलाफ थी, हाँ जी, उन्होंने उस सारे जिहड़ा फार्म थी उन्हां दा जाके स्प्रे करके ख़त्म करता। अच्छा जी। उत्थे वो धरना ला के बह गए आपो अपने तंबू ला के, विच कुड़ियां भी सी विच मुंडे भी सीगे विच उन्होंने उस्ताद भी सीगे। अच्छा। वो फिर सानू उत्थे लैके जाके दिखा के आए। अच्छा। ये जिहड़ा एक थोड़ी बिच गल है जी, ये जिहड़ा लैक्चर मतलब के करते सी वो तो फिर उत्थे जिवें डच लैंगुएज विच भाषा च करते होने जां किदां तुसीं तां फिर? वो अंग्रेजी च करते सी। अच्छा जी। अंग्रेजी दे विच साडा इधरों मनजीत सिंह कादियां सीगा। अच्छा जी। वह प्रोफेसर सीगा। ठीक ठीक ठीक। वो फिर सानू अलथा करके दसदा थी। ठीक है। उस असी जिहड़े माड़े मोटे अंग्रेजी समझदे थी असी समझ भी लैंदे थी। ये सुभाव जिहड़ा बनिया थोड़ा जाण दा वो किवें बनिया जी, मतलब कि कोई पंजाब वाले पासे किसी यूनियन वालों तुहानू गए जां उधर ले बंदे ने तुहानू इनवाइट करिया, किवें बनिया जी? उधर ग्रीन पार्टी है जी बनी हुई यूरोप दे विच, बहुत तकड़ी पार्टी आ जिहड़ी किसानी दे हक च। अच्छा जी। उन्होंने जिन्हें एम पी ने वो सारे ने सानू स्पोंसर करिया। अच्छा जी। जिन्हें अपने सूबे दे विच होरां सूबियां दे विच किसान यूनियन बनिया हुई ने उन्होंने संपर्क करके सानू उधरों स्पोंसर करके उधर सद्या। ठीक ठीक। भी तुसीं इधर आके ताँ के लोगों से जागृति होवे भी ये जिहड़े बहुकौमी कंपनियां बीज बनाउंदियां ने, एक बार बीज बीजता दोबारा इन्हां तों ही मुल लैना पड़ेगा, क्योंकि बीजां दे विच लुट्टण गईआं किसानां नूं। ठीक है जी। पर जिहड़े बैंगण दे विच ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੱਤ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਥੰਮ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਨ 1992 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਮੋਟਰ ਲਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਸੋ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਮੋਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਪਰਮਵੀਰ, ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘਲੋਟੀ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਾਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਮ।
से तुसी बापू जी दे नाल बैठे हाँ, ये कह लो कि एक थम रहे जिहड़े पिछले समय दे तुसी मौजूदा जिहड़ी पार्टी हैगी किसान यूनियन उस दे वी वर्कर आगू हाँ। सो हुण तुसी गलबात सारी बैठी हाँ मौके ते सुनिया है ना जी, तो किन्ना कुछ समझते हैं भी कुछ बदलाव होया जां उदां दी गलबात हुण भी चली आ रही है? पहला ना सानू साढ़े पिंड नू माण आ, साढ़े जिले के प्रधान रहे साधु सिंह जी कलूकी, क्योंकि जिहड़ा इन्हां ने बूटा लाया होया सीगा किसान जथेबंदी दा पिंड दे विच, उस बूटे नू असीं पाणी पाउंदे पाउंदे अगे अपने पिंड दे विच वी अते अपने ब्लाक दे विच जथेबंदी नू अगे वधा रहे हां। इस पिंड दा नाम है जिहड़ा वो ये पंजाब लैवल दे उत्ते लैके गए है, पंजाब दे विच पहुँच बनी है। मैं तुहाडे नाल एक वाकया सांझा करदा, जदों मैनूं दिल्ली मोर्चे की स्टेज के उत्ते बोलण का समा मिलिया साडी जथेबंदी वल्लों, उस तों बाद साडे प्रधान सरदार जगिंदर सिंह जी अगराहां उन्होंने मैनूं सवेरे जिहड़ी साडी सूबा कमेटी की मीटिंग हुंदी सी उहदे विच पुछिया, मैनूं कहिंदे किहड़ा पिंड आ भाई तेरा, कल मैं तैनूं स्टेज पर बोलदे नूं सुणिया, मैं हाँ जी मेरा पिंड आ कलूटी, कहिंदे कलूटी साधु सिंह वाला, मैं हाँ हाँ जी साधु सिंह, जानी मैनूं उदों इन्ना माण महसूस होया भी जे उन्हां दे नाल इन्हां ने जदों उदों उह संगरूर जिले के प्रधान सीगे, ये इधरों लुधियाने जिले के प्रधान सीगे, इन्हां ने कट्ठा वर्क जिहड़ा उहदे नाल कीता होया सी, जिहड़ी मेरे मन दे विच गल आई भी जे साडे पिंड दे बजुर्गां दा किसान यूनियन दे विच वजूद सीगा ते उह वजूद नूं असीं लैके अगे दे वल नूं जा रहे हां हुण चक्किया होया, सानूं उहदा माण होया बहुत वड्डा भी साडे पिंड दे विच जिहड़ा शुरू तों बूटा लग्गिया होया, बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी गल साडे लई माण वाली गल, बिल्कुल बिल्कुल। सो जिवें बापू जी, सो जिवें हुण अपने पंजाब दे 32 यूनियन हैगियां सी है ना, कुछ कु यूनियन ने जिवें राजेवाल जी ने इलैक्शन लड़ लिया है ना, हुण किदां दा तुहाडा रवैया रहूगा भी फिर उन्होंने अपनी यूनियन च शामिल करोंगे जां मतलब के कोई उन्होंने नहीं कोई अहुदा दिता जाऊगा? जिवें तुहानूं पहलां भी बापू जी ने गल क्लीयर कीती है भी जिहड़ियां 32 जथेबंदियां बणन दा कारण जथेबंदियां दे विचली फुट रहा है, इहदे नाल इह दो जथेबंदियां सीगियां जिहड़ियां अलहदा प्लेटफार्म दे उत्ते लड़ रही हैं, एक भारतीय किसान यूनियन एकता अगराहां, एक किसान उम्मीदवार संघर्ष कमेटी जिहड़ी सरपण भंधेर उहनां वाली गल सतनाम पन्नू उहनां वाली, जदों काले खेती कानूनां दा संघर्ष शुरू होया उस समय मैं जथेबंदी दे नाल जुड़िया, क्योंकि उस तो पहला पता नहीं सीगा भी जथेबंदियां की होंदियां, जथेबंदियां किहड़े किस तरीके दे नाल काम करदियां होंदियां, और जथेबंदियां दे विच आउण तों बाद दे विच जद धरने मुजाहरिआं विच शामिल होण लगे उदों पता लग्गिआ भी इस तरीके दे नाल पंजाब दे विच 34 जथेबंदियां काम कर रहीआं, उदों सानूं भी इह हुण के हैरानी दा चंबा सीगा भी जद लड़ाई एक है, केंद्र एक है, कारपोरेट का जिहड़ा हमला हो रहा वह एक है, सारिआं दे इक हो रहा, फिर इन्नियां जथेबंदियां बणन दा कारण की होइआ पंजाब दे? जे आपदी जथेबंदी की गल करा जिस दे विच मैं मौजूदा समय दे विच काम कर रहा भारतीय किसान यूनियन एकता अगराहां वल्लों, जदों इसका मैं विधान ते ऐलाननामा पढ़िया उहदे विच पढ़ के यह लगता भी लैन है जिहड़ी लैन दे उत्ते पहरेदारी कर रही है जथेबंदी, वह लैन बिल्कुल दुरुस्त है। जदों किसान संयुक्त किसान मोर्चा बनता है, संयुक्त किसान मोर्चे दे विच दिल्ली दे बार्डर दे उत्ते सारियां जथेबंदियां इक मत दे उत्ते कट्टियां होंदियां, घट तो घट एक मुद्दे दे उत्ते सांझ बनदी है, उहदे विच पूरे भारत दीयां जथे किसान जथेबंदियां इकट्ठियां होंदियां, 400 तों वध जथेबंदी इक संयुक्त किसान मोर्चा बनाउंदी है, काले कानूनां दा खेती घोल जिहड़ा मुलतवी करके ये पंजाब दे विच आउंदे, पंजाब दे विच आउण तों बाद दे विच जिहड़ी असीं गल करदे सी लोकां दे विच गल लै के जांदे सी भी जिहड़े लोकां ने तुहाडा इन्ना सहयोग दित्ता है वह लोगों ने जो थोड़े उत्ते फुलों की वर्खा की है भी तुम किसानी मोर्चा जित के आए हो, ये जड़िया चीज़ा ने यह थोड़े धरती नालों पैर तह चकन असी आपकी लैन की पहरेदारी करते लैन की पहरेदारी करेदारी करते हुए साड़ी जथेबंदी चोणा नहीं लड़ती ना ही अगे वास्ते लड़ूगी, साड़ी ये लैन ही साड़ी लैन किसान के हकों के लिए लड़ने वाली लैन, पर जिहड़ी राज्यवाल उन्हां दी गल है इन्हां नूं ये लग्या भी सारा पंजाब हुण तां साडे नाल तुर पिया, असीं मुख्यमंत्री की कुर्सी के उत्ते बैठण दे हासिल हो गए, इन्हां नूं जिहड़ियां ये गल्लां लग के जब दुबधा दे विच इन्हां ने तह उपर चके गए ये तो इन्हां नूं खमियाजा जिहड़ा हुण लोक इन्हां ने किन्ने ग्राम से भुगतना पिया जिन्हों 4600 वोटां आपदी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विचों मिलियां होण, उहदा पंजाब दे विच किड्डा क वड्डा आधार हो सकदा है तुहाडे सामने? बिल्कुल मेरा। चलो हुण गल करदे हां भी जिवें हुण जिहड़ा मौजूदा आ तुसीं ब्लाक प्रधान भी आ
ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਛ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰਹੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਖਰੀਵੇਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਠਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਦੇ ਲੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਖਰੇਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੱਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, MSP ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ? ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ MSP ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ, ਲਖਿੰਦਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਲੋਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਬਰਸਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਸ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਟਰੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਰੋਟੀ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਥੰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ